हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रतन सिंह पायल। ऑनलाइन क्लासेज की लेक्चर की सीरीज में आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड का एक पेपर न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर जो तीन भाग हैं, नंबर फर्स्ट है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, फिर बाद में नंबर टू है न्यूक्लियर फोर्स और तीसरा है न्यूक्लियर मॉडल। तो प्रॉपर्टीज को देखने से पहले अपन बात करते हैं परमाणु की, यानी एटम की बात करते हैं। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक डाल्टन हुआ था, उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत के अंदर यह बताया था कि परमाणु एक तो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, परमाणु गोलाकार होता है और परमाणु अविभाज्य होता है। ये प्रारंभ था, प्रारंभ में उन्होंने अविभाज्य ही माना गया था। उस टाइम तक ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इनकी खोज नहीं हुई थी। ठीक बात ना। इस प्रकार से परमाणु की जो खोज है उसके बारे में जब बात की जाती है तो डाल्टन नाम दिया जाता है। इसके बाद में एक परमाणु मॉडल दिए गए। प्रथम परमाणु मॉडल है वो जे.जे. थॉम्सन के द्वारा दिया गया। जे.जे. थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की भी खोज की थी। थॉम्सन ने क्या बताया था कि परमाणु है वो एक धनावेश का एक गोला होता है और इलेक्ट्रॉन वो बीच बीच में तरबूज के बीज की तरह फंसे होते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे ये तो धनावेश का एक गोला है और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, इसी मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को चेक करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना एक दूसरा मॉडल दिया था, उस मॉडल को नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड और उसके सहयोगियों ने मिलकर एक प्रयोग किया था, अल्फा कण प्रयोग। ठीक बात ना। उन्होंने क्या किया, सोने की एक पतली सी पन्नी ली और उस पर अल्फा कण डाले थे। उन अल्फा कणों के अध्ययन के आधार पर ही अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसके निष्कर्ष निम्न हैं। सबसे पहला निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला, सबसे प्रथम जो निष्कर्ष है वो ये निकाला कि किसी परमाणु का संपूर्ण धनात्मक आवेश केंद्र पर स्थित होता है और उसी केंद्र को नाभिक कहते हैं। इस प्रकार रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ती कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ऐसा कुछ कहा था। ठीक बात ना। इस प्रकार से आगे अपन बात करते हैं अपने सिलेबस के आधार पे। रदरफोर्ड पहला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला, रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र। उस सूत्र को प्रूव करने से पहले रदरफोर्ड ने कुछ अभिग्रहित काम में लिए थे, कुछ परिकल्पनाएं काम में ली थी, कुछ पोस्टुलेट्स काम में लिए थे। तो शुरुआत करते हैं रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र, और इसके अंदर शुरुआत किससे करेंगे, शुरुआत करेंगे अभिग्रहितों से। अभिग्रहित यानी पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स नंबर वन, सारी पोस्टुलेट्स आपके ध्यान में हैं लगभग मेरे हिसाब से। उन्होंने सबसे पहले यह माना कि किसी परमाणु का संपूर्ण धनात्मक आवेश केंद्र पर होता है और उसी केंद्र को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो नंबर फर्स्ट बात उन्होंने की नाभिक की कहाँ स्थित होता है, केंद्र पर स्थित होता है, केवल इतनी सी बात थी। नंबर दो जो बात उन्होंने ये मानी वो ये थी कि नाभिक का द्रव्यमान अल्फा कण की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, यानी किसका द्रव्यमान, अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो तो होता है कम और जो नाभिक है उसका द्रव्यमान क्या है, बहुत ही ज्यादा होता है। इस कारण जब अल्फा कण नाभिक से टकराएगा, तो नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी जो बात उन्होंने मानी वो ये थी कि जब अन्योन्य क्रिया होती है, अल्फा कणों का जब स्केटरिंग होता है, प्रकीर्णन होता है, उसका मुख्य कारण जो है वो अल्फा कण व नाभिक के मध्य अन्योन्य क्रिया है। नाभिक के मध्य कुलाम प्रतिकर्षण बल है। आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कुलाम प्रतिकर्षण बल है। अब देखो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जब परमाणु जब होता है उसमें नाभिक भी है और उसके इलेक्ट्रॉन भी हैं। जैसे अपन अल्फा कण डालेंगे तो अन्योन्य क्रिया किससे होगी, इस नाभिक से होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है इसमें इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों
और अल्फा कणों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया को, इंटरेक्शन को, रदरफोर्ड ने नगण्य माना था। इसको क्या माना था? नगण्य माना था। और नंबर चार, चौथा जो पोस्टलेट था वो ये था कि अल्फा कण और जो नाभिक होते हैं ये बिंदु मात्र होते हैं। ये क्या होते हैं? बिंदु मात्र होते हैं। यहां पर आपने एक बात की कि अल्फा कण, एक तो था अपना अल्फा कण, एक था अपना नाभिक, इनके मध्य अन्योन्य क्रिया होती है या फिर इनके मध्य जो बल लगता है, कूलाम प्रतिकर्षण बल लगता है, वो कितना होगा। माना कि नाभिक का जो परमाणु क्रमांक है वो जेड है। नाभिक का परमाणु क्रमांक क्या है? जेड है। अगर परमाणु क्रमांक इसका जेड है तो नाभिक पर आवेश कितना हो जाएगा? नाभिक का आवेश वो कितना हो जाएगा? जेड ई हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है किसी नाभिक के अंदर जेड ही प्रोटोन होते हैं। अगर एक प्रोटोन के अंदर ई आवेश तो जेड प्रोटोनों के अंदर आवेश कितना हो जाएगा? जेड ई हो जाएगा। अपन लोग ये जानते हैं कि द्विआयनित हीलियम परमाणु को ही क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ इस पर आवेश कितना होता है? 2e होता है। साथ साथ ये मान लिया कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसी टाइम पर r है। अगर r है तो इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल F इक्वल टू, अपना फॉर्मूला सबको याद है शायद, 1/4πε0Q1Q2/r² होता है। फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4πε0 Q1 की जगह पर लिखा ZE और Q2 की जगह पर लिखा 2E लिखा, तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा 2ZE/r². ये इन दोनों के बीच में लगने वाला एक प्रतिकर्षण बल है। चूंकि ये बल है 1/r² के समानुपाती है, यानी एक केंद्रीय बल है। इस बल के प्रभाव में अल्फा कण का जो पथ है वो एक अति परवलयाकार पथ होता है, हाइपरबोलिक पथ होता है। चूंकि ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अल्फा कण के कारण नाभिक की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण अपन ये मान सकते हैं कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा पहले थी उतनी ही बाद में होती है। आप इसको डायग्राम के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हो कि अल्फा कण शुरुआत में यूं गया, चलो एक ये करता हूं, ठीक बात है ना। अल्फा कण का शुरुआत में पथ आपका ये था अल्फा कण, इसका जो संवेग है, मोमेंटम है, वो माना कि P1 वेक्टर है। यहाँ पर माना कि आपका नाभिक है, इस नाभिक और अल्फा कण के बीच में अन्योन्य क्रिया होगी, तो वास्तव में जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन इसका पथ विचलित हो जाता है और ये यूं चला जाता है। इसका अंतिम संवेग माना कि ये क्या है? P2 वेक्टर है। इस लाइन को मैं पीछे बढ़ाता हूँ तो आपका ये हो गया माना कि ये कोण क्या आपका? थीटा। अल्फा कण की प्रारंभिक गति की दिशा और अंतिम गति की दिशा के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं प्रकीर्णन कोण बोलते हैं। इसके बाद में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को बी से व्यक्त करते हैं। और ये मैंने क्या बताया है यहाँ पर आपको? क्या बताया है? नाभिक बताया है। क्या बताया है? नाभिक बताया है आपको। गौर करना, ये बी क्या है? बी को बोलते हैं संघात पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, ठीक बात ना। इसको बोलते हैं संघात प्राचल बोलते हैं, ठीक बात ना। आगे बात आएगी, इनमें संबंध निकालेंगे इससे अगले स्टेप में। किसमें जो संबंध है वो है आपका संघात प्राचल, संघात प्राचल। इसका जो संकेत है वो बी है, वह प्रकीर्णन कोण में संबंध, प्रकीर्णन कोण थीटा में संबंध, में संबंध अपन बात करेंगे। संबंध निकालने से पहले बी की जो परिभाषा लिखेंगे, किसकी परिभाषा लिखेंगे? बी की परिभाषा लिखेंगे या फिर संघात प्राचल की परिभाषा लिखेंगे, इंपैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन लिखेंगे। तो मैंने थोड़ी देर पहले ये बात की थी कि ये अपना अल्फा कण था, ये नाभिक था, इस पर आपने अल्फा कण डाला और वो अल्फा कण यूं चला गया था। इनके बीच की न्यूनतम दूरी ये क्या थी? बी थी। जब अल्फा कण और नाभिक के बीच में अन्योन्य क्रिया नहीं हो या अन्योन्य क्रिया शून्य हो तो अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी या न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? संघात पैरामीटर कहते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। यहां पर मैंने कौन सी बात बोली? बी के लिए न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी शब्द काम में लिया है। न्यूनतम दूरी कब? जब अन्योन्य क्रिया शून्य हो, जब
अन्योन्य क्रिया शून्य हो। न्यूनतम दूरी किनके बीच में? अल्फा कण व न्यूक्लियस के बीच में। तो एक बार दोबारा बोल रहा हूं, जब अल्फा कण और न्यूक्लियस के बीच में अन्योन्य क्रिया शून्य होती है, इंट्रैक्शन शून्य होता है, तब उनके बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? संघात पैरामीटर या संघात प्राचल या इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। ठीक बात है ना। अगली जो डेफिनेशन है वो थीटा। थीटा की जब बात की थी यानी प्रकीर्णन कोण की बात कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर थोड़ी देर पहले लिखा था कि शुरुआत में इसकी डायरेक्शन ये थी गति करने की, और उसको लिखा था संवेग P1 वेक्टर। बाद में लास्ट में उसकी डायरेक्शन ये हो गई थी P2 वेक्टर। ये डायरेक्शन चेंज क्यों हुई? क्योंकि इनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल लग रहा था। ये अल्फा कण है, अल्फा कण और नाभिक के बीच में क्या लग रहा था? प्रतिकर्षण बल लग रहा था। तो आप इसको दो प्रकार से बोल सकते हो। पहला प्रकार तो यह है कि जब अल्फा कण और नाभिक के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है तो अल्फा कण का जो पथ है वो अति परवलयाकार होता है। अति परवलयाकार होता है तो उसके पथ में जो विचलन होता है उसी विचलन कोण को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कोण कहते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, अल्फा कण के प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग के बीच का जो कोण है, प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग के जो बीच का जो कोण है उसी को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन कोण बोलते हैं। चलिए अब संबंध स्थापित करते हैं। संबंध किस प्रकार से स्थापित करेंगे थोड़ा सा गौर करना। शुरुआत का संवेग लिया था अपन ने, ये लिखा मैंने P1 वेक्टर। अंतिम संवेग लिया था, ये लिया था P2 वेक्टर। इसको आगे बढ़ाता हूं तो P1 और P2 के बीच का कोण था जो था थीटा था, और उसी थीटा को अपन क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन कोण बोलते हैं। ठीक बात ना। इसी स्टेप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी को देखो ऐसे लिखेंगे। ये तो लिखा मैंने P2 या आपका P1, इसको आगे बढ़ा दिया, ये आपका क्या है? P2 वेक्टर है। इसके बाद में इनका जो परिणामी है, एक सेकंड, परिणामी तो दूसरा होगा, ये अपन फाइंड आउट करेंगे। इसको मैंने यूं लिखा डैश लगा के, माना कि ये आपका क्या है? डेल पी वेक्टर है। फिर बाद में इन दोनों के बीच का कोण थीटा था। मैं एक स्टेप इस प्रकार से करता हूं यहां पर कि माना कि ये आपका पाई बाय टू है, ये आपका क्या है? थीटा बाय टू है। तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण आपका हो जाएगा पाई बाय टू माइनस थीटा बाय टू। गौर करना, पाई बाय टू माइनस थीटा बाय टू कैसे हुआ? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? पाई होता है। पाई में से ये दोनों घटाएंगे, माइनस करेंगे तो ये बचेगा अपना। ठीक बात ना। अब बात ये की थी कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में कोई फर्क नहीं पड़ता, इस कारण अपन ऐसे लिख सकते हैं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर बाद की गतिज ऊर्जा बराबर क्या लिख सकते हो आप? एम वी स्क्वायर लिख सकते हो। स्टेप नंबर टू, संवेग का जो परिमाण है, संवेग का परिमाण आप किस प्रकार से लिखोगे? P1 वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू P2 वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू एम वी। ध्यान रहे, एम यहां पर अल्फा कण का द्रव्यमान है, वी अल्फा कण का वेग है। क्योंकि वेग चेंज नहीं है इसलिए अपने ये लिखा है। स्टेप नंबर आपकी क्या होगी? थर्ड होगी। डायग्राम नंबर टू से, चित्र दो से, अगर त्रिभुज संयोजन का नियम, सदिश संयोजन का नियम अप्लाई करें तो देखो ये प्लस ये बराबर ये आएगा। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल पी वेक्टर इक्वल टू पी टू वेक्टर माइनस पी वन वेक्टर लिख सकते हैं। थोड़ा गौर करना वहां पे, इसका जो परिमाण है, परिमाण कितना प्राप्त हो जाएगा? डेल पी इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा पी वन पी वन स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस 2 P1 P2, और इनके बीच का कोण कितना है? P1 और P2 के बीच का कोण, ये पूरा कोण कितना है? थीटा है। ये लिखा कोस थीटा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सदिश संयोजन के नियम है उसके अंदर तो ये लिखते हैं अपन, ये लिखते हैं R इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, ऐसे करके कुछ लिखते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा गौर करोगे, ये जब लिखते हैं तब वो विकर्ण आपका यूं होता है। देखो अगर इस विकर्ण की अगर मैं बात करता हूं तो ये लिखूंगा, लेकिन अपने पास विकर्ण कौन सा है यहां पर? थोड़ा गौर करो, ये विकर्ण है
और इस वीकेंड के लिए अपन क्या करते हैं यहाँ पर माइनस काम में लेते हैं, ठीक बात ना। इसके बाद में पी वन व पी टू का मान रखने पर, पी वन व पी टू का मान रखने पर देखिए क्या प्राप्त होता है। पी वन का मान क्या था एम वी और पी टू का मान भी क्या है एम वी, तो डेल पी देखो प्राप्त हो जाएगा डेल पी इक्वल टू रूट एम स्क्वायर वी स्क्वायर और यहाँ भी एम स्क्वायर वी स्क्वायर तो दो हो जाएंगे, फिर टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर और ये क्या आ गया आपका कॉस थीटा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन बाहर आ जाएगा तो बाहर कितना आएगा एम वी, अंदर आपका बच गया वन माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा को इस वन को हटाना है आपको, तो आप किस प्रकार से हटाओगे, तो ये प्राप्त होगा आपका डेल पी इक्वल टू एम वी तो बाहर लिखा अंदर कितना आ गया टू और टू साइन स्क्वायर थीटा वाई टू कोस थीटा या कोस टू थीटा की वैल्यू पुट कर दी, कोस टू थीटा की वैल्यू क्या होती है ये होता है टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो वो वैल्यू पुट कर दी तो टू टू फोर ये बाहर कितना आ जाएगा ये आ गया टू एम वी और ये लिखा जाएगा साइन थीटा वाई टू, देखो टू टू फोर बाहर टू आएगा साइन स्क्वायर से साइन थीटा, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर टू बोल देता हूं इसको मैं। इसके बाद देखो संवेग में जो परिवर्तन होता है वो आवेग के बराबर होता है इंपल्स के बराबर होता है, तो अपन बात करते हैं आवेग। देखो सबसे पहले लिख देता हूं आवेग की परिभाषा, आवेग की परिभाषा से अपन लोग ये जानते हैं आई बराबर क्या होता है इंटीग्रल एफ डी टी, ये लिखा। देखो यहाँ पर अगर लिमिट लगानी हो तो टी की लिमिट लगाएंगे, टी की लिमिट होगी आपकी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और इसी को मैं ऐसे ले सकता हूँ डेल पी का वेक्टर, ठीक बात है ना। ये आवेग संवेग पर में है या आवेग की परिभाषा बोल दो। इसके परिमाण की जब बात करूँगा तो देखो यहाँ पर आपको एफ और डेल पी एफ का कंपोनेंट लिखूंगा, कंपोनेंट कौन सा लिखा जाएगा डेल पी की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लिखा जाएगा, डेल पी की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट लिखा जाएगा। तो एक बार देखो दोबारा डायग्राम करते हैं, ये अल्फा कण की शुरुआत कर देता हूं कि इंसिडेंट है, ये अल्फा कण यूं चला और फिर रिपल्सन हुआ तो ये यूं होता होता और यूं हो गया, ठीक बात है ना। ये इसकी अंतिम अवस्था है, अगर मान लो ये इसको थोड़ा पीछे बढ़ाता हूं मैं तो ये आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा कोण थीटा प्राप्त हो जाएगा, प्रकीर्णन कोण प्राप्त हो जाएगा। माना कि आपका जो नाभिक है वो यहां पर है, ये यहां करता हूं एक बार रुको, ये आपका क्या है नाभिक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस थोड़ी देर पहले बी ली थी और ये डिस्टेंस भी आपकी क्या होगी बी होगी, ठीक बात है ना। यहां का संवेग अपना क्या था पी वन था और यहां का संवेग आपका क्या था पी टू अपना था। किसी टाइम टी पर माना कि अल्फा कण आपका यहां पहुंच गया, अल्फा कण यहां पहुंच गया तो देखो लगने वाला फोर्स अल्फा कण यहां है तो इसके द्वारा लगने वाला जो फोर्स है वो यू हो जाएगा, ये आपका अल्फा कण है और लगने वाला फोर्स आपका यह हो गया। P1 और P2 के बीच का जो बात करें तो वो अब मैं यूं कर दूं किसी डायरेक्शन में कर दूं कोई खास बात नहीं है, तो ये मैंने क्या कर दिया माना कि डेल P की डायरेक्शन है, शुरुआत में जो डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग डेल P की डायरेक्शन यही थी अपनी, ठीक बात ना। यहां से यहां तक का जो कोण है माना कि यह फाई है, पी टू और डेल पी के बीच में जो एंगल है वो थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था 1 बाई टू पाई माइनस थीटा, सेम ऐसे ही ये जो एंगल है ये एंगल क्या लिखा था 1 बाई टू पाई माइनस थीटा लिखा था। तो देखो इसका जो परिमाण लिखूंगा मैं परिमाण, तो ये आपको प्राप्त होगा इंटीग्रेशन एफ कोस फाई डी टी, इंटीग्रेशन मॉडुलस लगा दिया और ये लिखा मैंने डेल पी वेक्टर का मॉडुलस। यहां देखो लिमिट लगाएंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ कोस फाई डी टी
इक्वल टू डेल पी का परिमाण अपन ने लिखा था 2mv sin θ/2। अब देखो ये स्टेप नंबर थर्ड कर देता हूं। डी टी की जगह पर लिखा जा सकता है dt/dφ अपनी सुविधा के लिए, और ये dφ, क्योंकि dφ से dφ कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो फाई की जो लिमिट है वो हो जाएगी, देखो यहां अगर इस दिशा में कोण को मापते हैं तो माइनस, और इस दिशा में मापते हैं तो प्लस, तो ये लिखा जाएगा -1/2π - θ/1/2π - θ, ये आपका इसकी लिमिट हो जाएगी, ठीक बात ना। इसके बाद अपन f का मान रख देते हैं, f का मान भी रख सकते हैं। उससे पहले देखो एक बात और करते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण से, चूंकि ये केंद्रीय बल है और केंद्रीय बल में कोणीय संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है। कोणीय संवेग संरक्षण से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से